तुम्हारे द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशी में बृहस्पतिवार के नाम से विख्यात होगी। बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र के योग में इसकी पूजा करके मनुष्य जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रेश्वर के दक्षिण और वीरवेश्वर से नैऋत्य कोण में स्थित बृहस्पतिवार का पूजन करके मनुष्य बृहस्पति लोक में सम्मानित होगा। अगस्त जी कहते हैं, लोपामुद्रे बृहस्पति लोक के ऊपर जाने वाले शिव शर्मा ने शनि का लोक देखा और उसके विषय में प्रश्न किया। तब दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, यह सूर्य के पुत्र शनि की पुरी है। भगवान सूर्य से सर्वणाक गर्भ से शनिश्चर की उत्पत्ति हुई है। शनिश्चर ने देव वंदित काशीपुरी में जाकर शिवलिंग स्थापित किया और उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके शिव पूजन के प्रभाव से इस शनि लोक को तथा ग्रह की पदवी को प्राप्त किया। काशी में परम सुंदर शनिश्चरेश्वर का दर्शन करके शनिवार को उनकी पूजा करने से शनिश्चर की बाधा नहीं होती। विश्वनाथ जी से दक्षिण और शुक्रवेश्वर से उत्तर भाग में शनिश्चरेश्वर की पूजा करके मनुष्य इस शनि लोक में आनंद का भागी होता है। सप्तऋषि लोक और ध्रुव लोक की स्थिति, ध्रुव की तपस्या और वरदान प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर शिव शर्मा ने सप्तऋषि मंडल को अपने नेत्रों से देखा और पूछा, यह अनुपम तेजोमय शुभ लोक किसका है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, इस लोक में सदा निर्मल अंतकरण वाले सप्तऋषि निवास करते हैं। ब्रह्म जी के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त होकर वे यहीं रहते हैं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कृत, अंगिरा और महाभाग वशिष्ठ जी, ये ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये सात ब्रह्म निश्चित किए गए हैं। संभूति, अनुसुईया, क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरुंधति, ये क्रमश इन सात ऋषियों की पत्नियां हैं जो लोक माता कही गई हैं। इन सप्त ऋषियों ने काशी क्षेत्र में जाकर अपने नाम से एक एक शिव मूर्ति स्थापित की है और शिव में बड़ी भक्ति रखकर अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने इन्हें प्रजापति का पद दिया। जो लोग प्रलय पूर्वक काशी में अत्रीश्वर आदि शिव मूर्ति का दर्शन करें वे उज्ज्वल तेज से संपन्न हो इस प्रजापात्य लोक में निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिंग गोकर्णेश्वर कुंड के पश्चिम तट पर प्रतिष्ठित है। ककोट कुंड के ईशान कोण में मरीचि कुंड है। वही मरीचिश्वर संज्ञक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पुलेश्वर और पुलस्तेश्वर लिंग स्वर्ग द्वार के पश्चिम भाग में है। अंगिकारेश्वर लिंग हरिकेश रमणीय तट पर है। कृतीश्वर लिंग है, वह भी है शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा काशी तीर्थ में सेवित होने पर भी ये सातों लिंग इहलोक और परलोक में मनवांछित फल देते हैं। इस सप्तऋषि लोक में महापुण्यमय पति व्रता एवं परम सुंदरी वशिष्ठ पत्नी अरुंधति रहती हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। भगवान नारायण अरुंधति के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर लक्ष्मी जी के सामने प्रसन्नता पूर्वक उनकी चर्चा किया करते रहते हैं और कहते हैं, कमले, पतिव्रताओं में अरुंधति का अंतकरण जैसा शुद्ध है वैसा कहीं किसी का भी नहीं है। वैसा रूप, वैसा शील स्वभाव, वैसी कुलीनता, यह कला कौशल, वह पति सेवा परायणता, यह माधुर्य, यह गंभीरता और वह गुरुजनों को संतुष्ट रखने का भाव जैसा अरुंधति देवी में है वैसा अन्य स्त्रियों में कहीं नहीं है। जो वार्तालाप के प्रसंग में अरुंधति का नाम भी लेती हैं वे युवतियां संसार में धन्य हैं, सौभाग्यवती हैं और शुद्ध चित्त वाली हैं।
तदंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदो, यह कौन लोक है? भगवत पार्षदो ने कहा, ब्राह्मण स्वयंभू मनु के एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र हुए। रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ था, जो ज्येष्ठ था, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र हुआ, जो कनिष्ठ था। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसभा में बैठे हुए थे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा की सेवा में भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के बालकों के साथ वहां जाकर महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में उत्तम भय को बैठा देख बालोचित चपलता के कारण उसने भी पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा की। सरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ाने के लिए उत्सुक देख फटकारते हुए कहा, ओ अभागिनी के पुत्र, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के योग्य पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ भी पुण्य होता तो एक अभागिनी स्त्री के पेट से कैसे पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख ले, वह सौभाग्यवती की अच्छी कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वह पृथ्वीपति के अंग में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। राजसभा के बीच में सुरुचि के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसू को रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने भी उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। वीरानी सरुचि के वंशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजा को प्रणाम करके बालकों के साथ अपने घर गए तथा सुनीति ने बालक के मुख की कांति देखकर ही ताड़ लगा लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ है। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का मस्तक सूंघा और संतावना देकर हृदय से लगा लिया। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा। माता के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। सुनीति ने समझा बुझाकर आंचल से ध्रुव का मुंह पोछा और कहा, बेटा तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बताओ महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, माँ मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम और सुरुचि दोनों ही महाराज की पत्नी हो तो भी राजा को केवल सुरुचि क्यों प्यारी है और क्यों तुम पर उनका प्रेम नहीं है? मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, फिर सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों है और क्यों अधम है? मैं क्यों अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? ध्रुव का यह वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, वत्स सुरुचि ने जो कुछ कहा है इसलिए वह सत्य है। वह महाराज की पटरानी है, इसलिए सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात उसने दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, उसी पुण्य की वृद्धि से सुरुचि के प्रति राजा अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां हैं उनमें राजा की वैसी प्रीति नहीं होती। उत्तम ने भी महान पुण्य राशि का उपार्जन किया है, इसलिए भी महान पुण्य राशि का उपार्जन होने के पश्चात पुण्यात्मा स्त्री की उत्तम कोख में निवास किया है और यही कारण है कि वह राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया है। महामते, थोड़ी तपस्या करने के कारण में और तुम राजा के समीप पहुंचकर भी राजलक्ष्मी के पात्र नहीं हो सके। बेटा अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मानकर और अपमान में कारण होता है, अतः तुम इसके लिए शोक ना करो। ध्रुव बोला, माँ यदि मैं मनु के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूँ तो मेरी बात सुनो। यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है तो आज तक जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ रहा है उसे भी मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। माँ तुम केवल मुझे तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दो और अपने आशीर्वाद से मेरा उत्साह बढ़ाओ।
तब सुनीति ने कहा, राजकुमार तुम्हारी आयु अभी कम है, अतः मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूँ। तथापि इस समय आज्ञा देती हूँ, तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किस तरह कंठ में अटके रहेंगे। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने उनके चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वहां से जल दिया। माता ने मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए सतत आशीर्वाद दिए। वह तरुणा के समान पराक्रमी बालक अपने महल से निकलकर वन में गया। उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी। वन में ध्रुव ने सप्तऋषियों को देखा। भोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है, कहाँ राजकुमार और कहाँ वह घोर जंगल, परंतु जहाँ जिसकी शुभ या अशुभ भवितव्यता होती है वहाँ उस मनुष्य को वह अपनी रस्सी में बांधकर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धि वैभव से और कुछ करने की चेष्टा करता है, किंतु भावी की सहायता से विधाता कुछ और ही कर डालता है। सप्तऋषियों का दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जा पहुंचा, जो हाथ जोड़े हुए प्रणाम करके ललित वाणी में बोला, मुनिवरो आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने, मैं माता सुनीति की कोख से पैदा हुआ हूँ। वे सप्तऋषिगण स्वभाव से ही मधुर कृति वाले, अदृश्य नीति कुलश, मृदु गंभीर भाषी उस तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक तू अपने खेद का कारण बता। उनके सहज स्नेह से सने हुए वचन सुनकर कहा ध्रुव ने, मुनीश्वरों मेरी माता ने मुझे महाराज की सेवा में भेजा था। जब मैं वहां जाकर उनकी गोद में बैठने को उत्सुक हुआ, तब विमाता सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। उसने अपने पुत्र उत्तम को तो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माता को धिक्कार देकर अपनी प्रशंसा की। यह मेरी खेद का कारण है। बालक ध्रुव की यह बात सुनकर सप्तऋषि आपस में एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षेत्रीय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो देखो तो सही, इस छोटे से बालक में भी अपमान सहन करने की शक्ति नहीं है। ऋषि बोले, वत्स हमसे तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा कौन सा मनोरथ है। ध्रुव ने कहा, मुनियों मेरे सर्वोत्तम बंधु हैं, जो उत्तम है वे पिताजी के दिए हुए श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठे। मैं आपके द्वारा इतना ही सहायता चाहता हूँ कि मैं बालक होने के कारण प्राय कुछ साधन भजन नहीं जानता, अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें। मैं पिता के दिए हुए सिंहासन को नहीं चाहता, मैं तो अपनी भुजाओं के बल से उपार्जित उस उत्तम वस्तु को पाना चाहता हूँ जो मेरे पिता के लिए भी आशातीत हो। जो पिता की संपत्ति भोगने वाले हैं वे प्राय यश के धनी नहीं होते, श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिए जो पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखा दे। इस प्रकार उसके नीति से युक्त वचन सुनकर मरीच आदि मुनियों ने उससे इस प्रकार कहा। वत्स मरीच बोले, प्रिय वत्स मैं झूठ नहीं कहता, तुम जिस स्थान को पाने की बात कहते हो उसे जिसने भगवान विष्णु के चरण बिंदु को बिंदु की आराधना की नहीं की है वह पुरुष कैसे पा सकता है। ऐत्री ने कहा, जिसने भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि के लिए रस का आस्वादन नहीं किया है वह आशातीत समृद्धिशाली पद को नहीं पा सकता। अंगिकरा बोले, जो भगवान लक्ष्मीपति के कांतिमान चरण कमलों का भली भांति चिंतन करता है उसके लिए संपूर्ण संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। कुलस्ते ने कहा, ध्रुव जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा का सर्वथा नाश हो जाता है वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिनको प्रगति और पुरुष से मेरे परब्रह्मा कहते हैं तथा जिनकी मर्यादा से माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किया गया है वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। क्रुतु ने कहा,
जो यज्ञ पुरुष है, सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य है तथा समस्त जगत के अंतरात्मा है। वे भगवान जनार्दन यदि संतुष्ट हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले राजकुमार, जिनके भ्रम भंग मात्र से अरिमा आदि आठों सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत रहती है, उन भगवान हर्षिकेश की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, आपने भगवान विष्णु की आराधना के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वह सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे हो सकती है, कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है, इसका उपदेश करें। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण के नाम का जाप करना चाहिए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव स्वरूप द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का मंत्र द्वारा जप करना चाहिए। सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ है, अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले पवित्र स्तरधारी सर्वात्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पाता। भगवान वासुदेव का जप करने वाला मनुष्य स्त्री पुत्र मित्र राज्य स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष सब कुछ निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्य को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत नहीं छू सकते। महा समृद्धशाली समृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु ने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया था। तुम भी इसी मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे तुम शीघ्र ही मनवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनिवर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर ध्रुव भी भगवान वासुदेव के चिंतन में मन लगाकर तपस्या के लिए चल दिए। जंगल से निकलकर वे यमुना के किनारे मनोहर मधुमन में गए। वहां भगवान श्री हरि का परम पवित्र आदि स्थान है, जहां पहुंचकर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहां जाकर ध्रुव ने वासुदेव नामक निर्मात्मय तथा निरामय प्रब्रह्मा का जप प्रारंभ किया। उनके नेत्र ध्यान में निश्चल रहते थे और वे संपूर्ण विश्व को वासुदेव में देखते थे। संपूर्ण दिशाओं में श्रीहरि है, वे श्रीहरि ही, वे ही पाताल में अंत स्वरूप रहते हैं, आकाश में भी वे ही अंत स्वरूप भी व्याप्त है। यद्यपि वे एक ही हैं, तथापि अनंत रूप भेदक है, कारण है अंत आत्मा को प्राप्त हुए हैं, जो सदा देवताओं में वास करें अथवा देवताओं के वास स्थान हो या व्याप शक्ति से सर्वत्र दैत्यमान हो, वे भगवान वासुदेव कहलाते हैं। जो धातु है इसका प्रयोग व्याप्ति अर्थ में होता है, इससे विष्णु शब्द बनता है। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी नाम एक स्वरूप ही है। यह धातु पूर्णतः सार्थक होती है, जो परमेश्वर संपूर्ण हरीश अर्थात इंद्र के स्वामी होने से हर्षिकेश कहलाते हैं। वे ही सर्वत्र स्थित हैं, जिनके भक्त भी महाप्रलय में अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। भगवान संपूर्ण लोकों में अच्युत कहलाते हैं, जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक है, जो पालन पोषण करने और स्वरूप की प्राप्ति कराने के कारण जो वे भगवान विश्वम्भर यहाँ विराजमान है। ध्रुव की आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखती थी। उन्होंने यह नियम बना लिया था कि केवल कमल नयन भगवान विष्णु ही दर्शन करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं है। उनके कान गोविंद मुकुंद दामोदर चतुर्भुज आदि शब्दों के बिना
दूसरा कोई शब्द नहीं ग्रहण कर लेते। उन दोनों ने हाथ गोविंद के चरण बिंदु की पूजा तथा उन्हें प्रिय लगने वाले कर्मों को छोड़कर और कोई काम कर्म नहीं करते। उनका मन अन्य सारी बातों का मनन छोड़कर केवल भगवान के द्वंद रहित युगल चरण कमलों का चिंतन करता हुआ स्थित हो गया था।